पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के मझोला थाने के ठीक सामने दिल्ली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन अभिभावकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया था। मामला थाने में पहुंच गया था। अभिभावकों ने मिलकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो वहीं उसी को लेकर आज सभी अभिभावक, पेरेंट्स स्कूल ऑफ एसोसिएशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अभिभावकों द्वारा बताया गया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई और इसके पूर्व ट्रस्टी पवन बंसल द्वारा इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी थाना मझोला को दे दिया गया। इस संबंध में डीपीएस की वेबसाइट पर चेक किया गया तो पता चला कि मुरादाबाद डीपीएस का नाम सूची से गायब है। इससे साफ होता है कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादाबाद के नाम से चल रहा है वो अवैध। इसी संबंध में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि डीपीएस स्कूल के संचालक को लेकर आज कुछ अभिभावक मेरे पास आए हैं। उनको ये जानकारी दी गई है कि डीपीएस सोसाइटी ऑलरेडी यहाँ के डीपीएस की मान्यता सोसाइटी से समाप्त कर दी गई है। जो डिफरेंट विकल्प है उस पर विचार किए जा रहे हैं। अच्छा, सिक्स क्लास में डीपीएस में पढ़ रहा है और प्रेप से पढ़ रहा है। मेरा बड़ा बेटा वहाँ से पास आउट हुआ है 10th 2019 में। अब आईआईटी मंडी में गया हुआ है, उसके बाद वो स्कॉलर 10 में था। और अचानक से इतने सालों से हम 17-18 साल से डीपीएस से जुड़े हुए हैं, अचानक से हमें पता लगता है कि क्या कहते हैं डीपीएस की फ्रेंचाइजी जा रही है। और हम लोग इतनी दूर से दीनदयाल नगर से डीपीएस इसीलिए भेज रहे हैं कि बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है। एंड डीपीएस इटसेल्फ इज़ अ नेम ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, और डीपीएस सोसाइटी के अंदर में आता है। सडनली हमें पता लगता है, साइट पर देखते हैं तो उसका नाम ही नहीं है। इनका इंटरनल गुफअप चल रहा था एक साल से, जो हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग ऑनलाइन बराबर, हमारा पेमेंट जा रहा है, हमारे सारे फीसेस टाइम पे जा रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। टीचर्स बिल्कुल बराबर हमारे क्लासेस ले रहे थे, सब कुछ बहुत कोऑपरेटिव थे, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। इससे पहले डॉक्टर जगह थे, उससे पहले डॉक्टर पांडे थे। मेरा बेटा तो बड़ा वाला भी प्रेप से यहीं पढ़ा है, न्यूडल उसके यूरोकिड्स के बाद। और हम लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है कि आपका फ्रेंचाइजी चला गया, आपने बताया नहीं। ऑल ऑफ अ सडन आप शट डाउन कर रहे हो, अब 11 से 13 बंद है, 14 के बाद 18 तक गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं। मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं है। बच्चे के सारा कोर्स ले लिया हम लोग, ऑल ऑफ अ सडन वी आर रनिंग टू द मार्केट, और कोर्स ले लिया हमने, सारे ड्रेसेस करवा लिए आप डीपीएस के नाम पे। आपने बसेस नहीं स्टार्ट करी, हमने प्राइवेट कैब स्टार्ट कर दिया बच्चों को, क्योंकि मुझे बहुत दूर पड़ा था। मैं बीइंग अ सिंगल पेरेंट, माय हस्बैंड एक्सपायर्ड इन कोविड, नॉट इवन अ ईयर, एक साल हुआ है उसमें, अभी हुआ भी नहीं है, 27 को होगा। तो मैं ऐसी बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मैं सोचूं कि आज मैं अपने बच्चे को सीएल गुप्ता में डाल दूं या श्रेणी साई में डाल दूं, जिसका फीस जस्ट डबल है, तो नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। मैं संबंध में आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया, शिकायत की? पूरा हम लोगों ने सीएम को भेज दिया, हमने डीएम को 8 तारीख को भेज दिया, सीएम को हमारा लेटर जा चुका है, पोर्टल पे डाल दिया है पेरेंट्स ने। इस स्कूल के संचालन को लेकर आज कुछ अभिभावक मेरे पास आए थे, उनको ये जानकारी दी गई कि डीपीएस सोसाइटी ने ऑलरेडी यहाँ के डीपीएस की मान्यता अपने सोसाइटी से समाप्त कर दी है। अब जो डिफरेंट विकल्प्स हैं उस पर विचार किए जा रहे हैं। जो इसके 6 ट्रस्टी हैं कॉलेज स्कूल पवन तंत्र के, उन 6 ट्रस्टियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है और एडीएम सिटी साहब को कहा गया है कि इनसे बात करके इसका एक ऐसा हल निकाले जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसमें एक विकल्प है कि डीपीएस सोसाइटी से फिर से रिन्यूअल कराया जाए, दूसरा विकल्प है कि किसी अन्य नाम से विद्यालय को चलाया जाए, तीसरा विकल्प कि अगर ट्रस्टी लोग नहीं चलाना चाहते हैं तो कम से कम अगले 2 साल तक विद्यालय का संचालन करें, जिससे जो बच्चे 9th या 11th में हैं उनका अपना कोर्स पूरा हो सके। इन सारे विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इसमें ट्रस्टी लोगों को बुला करके उनसे बात करेंगे। CBSE बोर्ड से भी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें DIOS को भी लगाया गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई सर्वमान्य हल निकल आए जिससे बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन की इसमें निश्चित रूप से लापरवाही है, और इस बात की लापरवाही कि जब डीपीएस सोसाइटी ने ऑलरेडी लिखकर इन्हें दे दिया था कि आपकी मान्यता समाप्त हो रही है 31 मार्च 2022 से, तो इस बात से सभी गार्जियंस को अवेयर कराना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं कराया गया। देखिए, अभी हम लोग सिविल साइड में प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय का संचालन कराया जाए, और अगर उसमें सफलता हासिल नहीं होती है तो जो क्रिमिनल साइड है हम उस पर फिर विचार करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।